Hello everyone, how you doing there? Dr. Hashim is here. Hope you are doing good and hope you are doing well. Our today's topic is going to be a short topic. आज मैं उस incidents के बारे में बात करूँगा जो कि 6 April 2020 को क्वेटा के अंदर हुआ. वो incidents क्या था कि young doctors जो कि coronavirus के against fight out कर रहे हैं front line से, तो उनको proper kits नहीं दी जा रही. जब उनको प्रॉपर किट्स नहीं मिली तो उन्होंने इसके बारे में एहतजाज किया और आला अहदेदारान के कहने पर पुलिस वालों ने उनको पीटा और उनको जेल में बंद कर दिया. अब मेरे नज़दीक ये बात गलत है. उनको प्रॉपर किट्स देनी चाहिए थी, पहले ही प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी ताकि वो एहतजाज ना करते, और अब वो एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आर्मी पर्सन या एक पुलिस ऑफिसर को जब आप वॉर जोन में भेजते हैं तो आप उसको उसकी प्रॉपर उसके आर्मर्स आप उसको देते हैं, फॉर एग्जांपल गन्स, ग्रेनेड्स या व्हाटएवर जो भी है आप उसको मुहैया करते हैं ताकि वो वॉर जोन में जाए और फायर आउट करें और वॉर जोन को क्लियर करें. जब आप उसको प्रॉपर किट नहीं देंगे तो वो कैसे जाकर फायर आउट करेगा? ये अगर आप उसको प्रॉपर किट नहीं देंगे तो ये उसके लिए सुसाइड होगा. और इसी तरह से अगर आप डॉक्टर्स को उसकी प्रॉपर किट नहीं दे रहे और आप उसे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक वायरस के साथ फायर आउट करो जस्ट एक मास्क पहनकर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये भी एक सुसाइड ही है. अब जब उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज करने के बाद जब ये इंसिडेंट कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जी ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं. क्या खाक नेशनल हीरोज़ हैं? और भाई उनको प्रोटेक्टिव किट्स तो दो ताकि वो अपनी हीरोपंती दिखाएं भी. अब आप उनको किट्स दे नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि आप हमारे नेशनल हीरो हैं, आप खुद चले जाएं एक मास्क पहन कर. नहीं ना जाएंगे तो इसी तरह, या फिर अपने किसी बच्चे को भेज दें मास्क पहना कर, सिर्फ एक मास्क पहना कर. जब आप उनको एक प्रोटेक्टिव किट दे ही नहीं रहे तो उस हीरो का क्या करेंगे आप? अब इस एहतजाज के बाद वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार किट्स आ गई हैं तो अब हम प्रोवाइड करेंगे. तो पहले कहाँ थे? ये जो कोरोना वायरस है ये अभी तो नहीं आया, इसे आए को भी तकरीबन अरसा तो हो गया है. और ना सिर्फ आम लोग बल्कि कई डॉक्टर्स भी इस कोरोना वायरस की वजह से इसमें मतलब मुबतला होकर मर चुके हैं. अभी रिसेंटली जनाब एक बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर, उनकी भी डेथ हो गई. आई डोंट वांट टू टेल यू हिज नेम. तो आप ख़बरों में सुनते हैं कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस की नज़र होते जा रहे हैं, ठीक है, आम तौर पर पब्लिक तो हो ही रही है. अब इतने ख़तरनाक वायरस को आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मास्क पहनकर आप फाइट आउट करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अब जो इतनी इमदाद आ रही है, अब हर बंदा कहता है कि जनाब हुकूमत ख़राब है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है. सर कैसे हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आप मुझे बताएं. कुरान का रूल है, इस्लाम का रूल है कि आपके ऊपर वैसे हुक्मरान आएंगे जैसे कि आप खुद होंगे. अगर आप हुकूमत को गलत कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको सबसे पहले खुद को चेकआउट करना पड़ेगा. इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूंगा कि चाइना से इतने मतलब जहाज़ आए हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 जहाज़ आए हैं, ठीक है, और दूसरे ममालिक से भी इतनी इमदाद आई है, वो सब की सब कहाँ गई है? अब ये तो बात गलत है कि इमरान खान साहब ने खुद ही वो इमदाद खा ली. सर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है. अब मसला क्या है कि जो नीचे के अहदेदारान हैं, नीचे के जो लोग हैं, तो जब उनको ये माल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है तो वो अपने घरों में ले जाते हैं. वो जनाब कहते हैं कि हम अपने ही रिश्तेदारों को देंगे या अपने जानने वालों को देंगे या मतलब जिनके साथ हमारी सलाम दुआ उन्हीं को देंगे, दूसरों को हम देंगे नहीं. तो भाई ये माल आया किस लिए है? और एक मास्क जिसकी कीमत तकरीबन 5 रुपये होती थी, अब इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर इसको जनाब इतना महंगा कर दिया गया कि एक आम इंसान ले ही नहीं सकता. अब एक आम इंसान क्या करता है, वो कपड़े का, सिंपल कपड़े का मास्क बनाकर पहनता है. तो जो भी यहाँ पे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उन्हें पता ही होगा कि कपड़े का मास्क जो है वो इतना यूज़फुल नहीं है. मेडिकल मास्क इज़ डिफरेंट और कपड़े का मास्क जो होता है वो डिफरेंट होता है. चाइना के अंदर जब ये वबा फूटी थी, जब ये वायरस आया था, उस वक्त हर चौक में इस मास्क को बिल्कुल फ्री कर दिया गया था और डॉक्टर्स को प्रॉपर ड्रेस दिए गए थे.
ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरे कंट्रीज में डॉक्टर्स की इतनी डेथ्स नहीं है जितनी कि पाकिस्तान के अंदर डेथ्स हैं। आप ज़रा गूगल करके देखें, आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको प्रॉपर किट नहीं दिया जा रहा। आप उनको किट प्रोवाइड करें ताकि वो फाइट आउट करें कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और इस पाकिस्तान की पाकिस्तान को इस कोरोना वायरस की लानत से बचाएं। अब ये डॉक्टर्स कौन हैं? डॉक्टर्स वही हैं जिनको आप महीना पहले या मैक्सिमम सवा महीना पहले यही पुलिस वाले सल्यूट कर रहे थे, और आज यही पुलिस वाले उनको डंडे मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है ये? ठीक है जी, अब ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको आप मसीहा बोल रहे हैं, जिनके बारे में आप बड़े बड़े अलकाब, वो एक एक गज के अलकाब आप दे रहे हैं और उन्हीं के आप चित्रोल कर रहे हैं, और वो भी गलत बात पर, उनको आप मतलब प्रोटेक्टिव किट दे नहीं रहे और फिर आप कह रहे हैं कि आप फाइट आउट करें। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो मतलब ज़रा अच्छे ओहदे वाले डॉक्टर हैं, उनके पास किट्स हैं, और जो फ्रंट लाइन से फाइट आउट कर रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मास्क है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सुधर जाना चाहिए, हमें अपनी इसलाह करनी चाहिए, खुद इसलाह, अपनी खुद की इसलाह करेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो कि ये माल आने के बाद हड़प कर जाते हैं, मेहरबानी करो, इस पाकिस्तान को ना तोड़ो, इस पाकिस्तान की हिफाजत करो। कुछ भी नहीं होगा सर, आप कहीं भी नहीं लेकर जा सकते, ये माल कब्र में नहीं लेके जाओगे आप, सही है? तो मेहरबानी कीजिए, उनको आप उनका हक दीजिए, डॉक्टर्स को उनका हक दीजिए ताकि वो फ्रंट लाइन से लड़ें, वरना फिर आप मेहरबानी करके खुद जाइए और अपने बच्चों को साथ लेकर जाइए, बल्कि पूरी फैमिली के साथ आप कोरोना वायरस के हॉस्पिटल में जहाँ पर उनके कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उधर आप जाइए और अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कीजिए, सूप पीजिए, खाना शाना खाइए, पार्टी मनाइए, ताकि फिर आपकी तबीयत बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। See you in the next video. Please make sure to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.